यार कभी मैं कभी तो जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, यह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों आखिरकार अदिल को तो है पर मालूम हो जाता है कि उसकी मालिक की तबीयत बहुत खराब है और उसकी हार्ट सर्जरी के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों जब हॉस्पिटल आता है सबसे पहले अपने वालद से मिलता है। दोस्तों उसके बालक की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उसे बहुत अफसोस होता है। साथ ही साथ दोस्तों को सभी आता है, मुस्तफा को कहता है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी दिखे कि तुम पापा को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा सको। दोस्तों वो आते ही ताने मारना शुरू कर देता है और उसके साथ जलील भी करता है कि तुम्हारे पास तो बाबा के इलाज के लिए पैसे दिए होंगे तभी तुमने ये सब किया। दोस्तों वहाँ पर शदीना और मुस्तफा तो कुछ नहीं कहते। वहीं शगुफ्ता अपने बेटे को रोककर कहती है कि अच्छा वो आदेश तो प्राप्त है, तुम्हारे साथ जरूरत थी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों मुस्तफा तो दिन रात एक कर देता है अपने वालिद के लिए, लेकिन उसे पूछने के लिए कोई नहीं होता सिवाय शदीना के। शदीना उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है कि मुस्तफा तो भाई कोई गलती नहीं है, बस गलती है कि समझने वाले की। यहाँ पर अदील के सारे मामा कर रहे हैं, हालांकि सारा काम तो तुमने किया, तुमने पापा को एन वक्त पर हॉस्पिटल पहुँचाया। अगर तुम ना होते तो आज पापा जिंदा भी ना होते, ये भी समझना चाहिए सबको। लेकिन तुम्हारी कोई तारीफ ना करे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों ये मुस्तफा देख कर थोड़ा उसे भी हौसला मिलता है। वही अखिलेश में आखिरकार अदील अपने पापा को घर ले आता है, क्योंकि अदील का वालद फिलहाल इतना ठीक नहीं होता, वो व्हीलचेयर पर चल फिर रहा होगा। लेकिन अदील उसे कहता भी है कि पापा आप मेरे घर चले, आप बस मेरे घर में आते रहे, वहाँ मैं अच्छे डॉक्टर का भी बंदोबस्त कर दूंगा, आपसे घर मत करें, बस मेरे होते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुस्तफा बस अपने आप को कोस रहा होगा कि मैंने अपने बाबा के लिए कुछ भी नहीं किया, आखिर वो बड़ा बेटा है, हालांकि पापा तो उसे नहीं मानते। वही रुबाब भी कहती है वो भी दीदी को फिलहाल अपने घर में ले आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अदिल कहेगा कि पापा बहुत खुदार इंसान है, वो कभी भी हमारे घर नहीं रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अभी और पापा को बनाऊँ ताकि वो मेरे साथ आके रहे।